नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेश एज अ वीडियो मार्केटर और आप देख रहे हैं वी मेक क्रिएटर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हाउ टू स्टार्ट योर ओन कंपनी। खुद की कंपनी कैसे स्टार्ट करें, एक स्टार्टअप के लिए या एक स्टूडेंट्स के लिए या एक जॉब गोइंग पर्सन के लिए हमेशा एक सपना रहता है कि वो खुद की कंपनी स्टार्ट करें। तो वो क्या फ्रेमवर्क्स हैं, किस तरीके, किन पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है, वो सारे आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। आज आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आपको एक कंपनी स्टार्ट करें। एंड आई एम श्योर वीडियो देखने के बाद, कुछ दिनों बाद जब अपनी कंपनी स्टार्ट करेंगे, मेरे इंस्टाग्राम महात्मा जी टेक्निकल पैक है, जरूर मुझे उस पर DM करिएगा कि हाँ सर, मैंने भी खुद की कंपनी एक स्टार्ट कर ली। तो सबसे पहले नंबर वन जो पॉइंट आता है वो है फाइंड अ आइडिया। एक आइडिया ढूंढिए। ये आइडिया आएगा कहाँ से? ये आइडिया आएगा प्रॉब्लम से। जब आप जो चैलेंजेस आप जो प्रॉब्लम आप फेस करते हैं डे टू डे लाइफ में, एग्जांपल मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। रितेश अग्रवाल, इनको घूमने का बड़ा शौक था, कभी दिल्ली, पंजाब, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, ये वहां घूमने जाते थे। लेकिन दिक्कत यहां आ गई कि जहां भी जाते थे भाई नाइट में तो स्टे करना पड़ेगा। नाइट में स्टे करने के लिए उनके चार्जेस थे 5,000 रुपए, 3,000 रुपए। लग्जरी होटल था भी नहीं, थोड़ा बहुत कैपेबल था, थोड़ी होटल बढ़िया मिल गई, लेकिन चार्जेस क्या कर रहे हैं, 3,000, 2,500, 5,000। यहां पे उनको समझ नहीं आया कि वो स्टे कैसे करें। जब वहां पे पहुंचते थे तो देखते थे कि कुछ ऐसे कॉटेजेस हैं, कुछ ऐसी जगह है जहां पे 500 रुपए में, 700 रुपए में रहा जा सकता है, लेकिन इसका कोई इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, एक मॉड्यूल बनाना पड़ेगा कि इन लोगों को रिजॉर्ट के साथ, एक अपना विला के साथ किस तरीके से जोड़ा जाए कि लोग कम खर्च में एक अच्छी सी लाइफ जी लें। क्योंकि अल्टीमेटली जब हम किसी दूसरे शहर में कोई टूरिस्ट और डेस्टिनेशन प्लेस जाते हैं, हमारा मोटो क्या होता है, जनरली घूमना। हम आपस की बोलचाल में क्या बात करते हैं कि अरे यार, रात को सोना ही तो है, बाकी दिन तो घूमना है। सोने के 3,000 रुपए, ये कहां का सवाल है? यही चीज को रितेश अग्रवाल को समझ आया और उसने बना दिया ओयो। आज के टाइम पे ओयो $5 बिलियन से भी बड़ी, इससे बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो ये समझिए, अगर मैं बात करूं ओला के ओनर्स भावेश अग्रवाल की, इनका क्या स्टोरी था? भाई इनकी स्टोरी बहुत फेमस है कि ये भाई के टैक्सी से कहीं जा रहे थे, टैक्सी वाले ऑब्वियसली पहले बदतमीज थे ही, पहले ये लोग बहुत ज़्यादा फेयर चार्ज करते थे, ज़्यादा बोलो रास्ता खराब है यहीं उतर लो, आगे लेके नहीं जाऊँगा। हम पहले पूछते थे भाई, पहले टैक्सी वाले से बात कर ले कि ज़्यादा पैसे लेगा, नहीं अगर बातचीत गड़बड़ हो गई तो ये लोग बहुत ज़्यादा पैसे लेते थे। गरीब आदमी जो पहली बार टैक्सी में चढ़ने जाए वो फंस जाता था बेचारा, तो बीच में उतरे ना तो वहाँ जाके ज़्यादा पैसे दो। भावेश अग्रवाल को रास्ते में उतार दिया, उस टाइम उनकी आइडिया आया कि क्यों ना इको सिस्टम बनाई जाए। टैक्सी वाले जाते हैं और बेचारे वहां से जो वापस लौट के आते हैं फ्री का पैसा लेते हैं, क्यों ना ऐसा चेन सिस्टम बना दिया जाए कि लोग वहां जाए और कुछ लोग वहां से मिले और यहां आए, तब जाके उन्होंने ओला बनना डाला। तो दोस्तों एक प्रॉब्लम जो है वो आइडियाज निकल के आती हैं। पेटीएम, विजय शेखर, प्रॉब्लम्स जब उन्होंने पहली बार समझा, फ्यूचरिस्टिक गोल को समझ लिया कि आने वाला फ्यूचर जो है वो पेमेंट ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होगा, तब कोई सोचता भी नहीं था जब उन्होंने अपनी खुद की एक कंपनी बनाई थी, कोई नहीं जानता था, रिचार्ज से शुरू किया था और आज पेटीएम दुनिया इंडिया की नंबर वन ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन कंपनी बन चुकी है। तो ये समझिए, एक आइडियाज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस को ग्रो करने में। तो आप सोचिए कि आप किन, पहली चीज तो आपका थोड़ा बहुत स्किल्स भी होना चाहिए कि मैं जिन काम को करने में जा रहा हूं उसमें मेरा खुद का स्किल्स है या नहीं है। तो इन चीजों को फ्रेमवर्क रखिए। प्रॉब्लम जो आपको लगता है कि आप सॉल्व करना चाहते हैं उसको बिजनेस मॉडल में, उसको इकोसिस्टम में कन्वर्ट करिए, बीच का एक मॉडल बनिए, बिजनेस आपके थ्रू ऑटोमेटिकली रन होता रहेगा, ये सिस्टम बनाइए। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है प्रिपेयर अ बिजनेस मॉडल। अब आपको उसका एक बिजनेस मॉडल बनाना है। बिजनेस मॉडल कैसे बनाएंगे? नंबर वन, आइडेंटिफाई योर स्पेसिफिक ऑडियंस। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका जो बिजनेस मॉडल है वो उसकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है। बहुत से, जैसे मान लीजिए अगर मैं खुद का डिजिटल मार्केटिंग कंपनी खोलने जा रहा हूँ तो उसके लिए मेरी जो कंपनी से रिलेटेड कौन होंगे, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं या कंपनीज हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका मैं मैनेजमेंट करूंगा, ये मेरा बिजनेस होगा। अगर आपका बिजनेस है मान लीजिए IAS की कोचिंग करना, तो आपके वो टारगेटेड स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनका टारगेट आपका रहना चाहिए भाई ऐसे स्टूडेंट कहाँ मिलेंगे। अगर आपका बिजनेस बेकरी शॉप है तो जो लोग फूडीज हैं वहां आपको पहुंचना पड़ेगा। तो आपको पहले स्पेसिफिक करना पड़ेगा आपकी ऑडियंस, तो ये चुनना पड़ेगा अपने बिजनेस मॉडल बनाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है एस्टैब्लिश बिजनेस प्रोसेस। ये आपको बिल्ड करना पड़ेगा कि बिजनेस का प्रोसेस क्या है, भाई टीम मेंबर्स कहां आएंगे, आपका एग्जिस्टेंस कहाँ पे होगा, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, आप इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी पहले क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है पायलट शूट, जिसे हम बिजनेस रिसर्च भी कहते हैं। कोई भी बिजनेस जब आप मार्केट में लॉन्च करते हैं ना, उससे पहले एक पायलट शूट जरूर करिए कि क्या ये बिजनेस वाकई मार्केट में चल पाएगा या ऑलरेडी है। इसके दो तरीके हैं। जब मैंने पहली बार अपना YouTube मिलियनेयर कोर्स, जो वीडियो मार्केटिंग कोर्स आप देखते हैं हमारा, इस कॉल नंबर पे आप कॉल करिए, 2000 स्टूडेंट लोग जुड़े हुए हैं हमारे इस बिजनेस मॉडल के थ्रू, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपना बिजनेस मॉडल और YouTube पे चैनल बना के वीडियो मार्केटिंग
मार्केटिंग के थ्रू इतना ज़्यादा पैसा स्पॉन्सरशिप से कमा रहे हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि उसका मैं एक पार्ट हूँ। जब जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे कहते हैं कि सर आपको देख के मैंने सीखा, तो दिए हुए नंबर पर कॉल करिए, एक्सपर्ट आपको डिटेल करेंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ, जब मैंने एक कोर्स आज से 1.5 साल पहले लॉन्च किया, मैं बड़ा डर रहा था कि भाई वीडियो मार्केटिंग इंडिया में कोई करता नहीं है, स्पेसिफिक वीडियो में सब डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, स्पेसिफिक कोई वीडियो मार्केटिंग पर सिखाता नहीं है। हम लोग स्पेसिफिक जा रहे हैं अभी स्टार्टिंग में, वैसे आज हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग भी स्टार्ट कर दी है, लेकिन उस टाइम वीडियो मार्केटिंग पे थे। तो एक बहुत ही एक बड़ी कंपनी के एक को फाउंडर थे, उन्होंने लाइक हमारी मीटिंग चल रही थी, मैंने आइडिया शेयर किया, उन्होंने कहा सर दो बातें हैं, पहली बात ये कि दो दोस्त थे सामने के गाँव में, पिताजी ने कहा कि जा भाई देख क्या चप्पल का बिजनेस वहाँ चलेगा क्या। पहले वाला भागता कहता नहीं पिताजी वहाँ बिजनेस नहीं चलने वाला, बोला क्यों भाई, कह रहा है सारे के सारे गवा रहे चप्पल कोई पहनता ही नहीं है। दूसरे वाला भागते हुए कह रहा पापा धंधा तो यही चलने वाला है, बोला कैसे, बोला किसी के पास चप्पल नहीं है, चप्पल डालो बिजनेस करेंगे। तो मेरे को समझ आया कि अगर आप सोचते हैं कि ये बिजनेस मार्केट में एग्जिस्टेंस नहीं है तो डरिए मत, क्या पता यू आर द फर्स्ट वन, क्या आप ही बताइए उस बिजनेस का, लाइक जब भी नाम लिया जाएगा तो आपका, जैसे मैंने वीडियो मार्केटिंग शुरू करी, कभी भी वीडियो मार्केटिंग की दुनिया में नाम लिया जाएगा तो मेरा नाम जरूर आएगा कि भाई यूट्यूब मिलियनेयर कोर्स हमने सबसे पहले लॉन्च किया। ये चीजें बहुत समझने वाली है, फास्ट मूवर के साथ साथ फर्स्ट मूवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पे बिजनेस अभी भी नहीं हो पाया है, आप चाहें तो उसको स्टार्ट कर सकते हैं, वो मैं सिखाता हूं अपने YouTube मिलियनेयर कोर्स और अर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। नेक्स्ट पॉइंट आता है लीव रूम फ्रॉम योर इनोवेशंस। कुछ इनोवेट करने के लिए ना घर से बाहर निकलिए, बाहर हम हमेशा ना रिसोर्सेस के लिए रहते हैं, अरे कोरियर कहाँ से होगा, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट इसका कहाँ रखेंगे। जब आप स्टेप आगे बढ़ाते हैं, चार लोग आपसे मिलते हैं, अच्छा ये कोरियर वाला यहाँ घूम रहा था इसको धंधा चाहिए, उसको बुलाइए वो आपसे मिलेगा। जब आप एक स्टेप घर से बाहर निकालेंगे नहीं बिजनेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनोवेशंस के लिए हमेशा घर से बाहर निकलिए। और जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए तो सीधा लॉन्च योर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करिए। एंड नेक्स्ट फाइंड अ इन्वेस्टर। उसके बाद जब आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया उसकी स्टैटिक्स मिलेगी कि आपने फला 5 महीने में 3 महीने में कितना वर्क किया, लीगल वर्क करके उसकी एक स्टैटिक्स निकालिए। जब स्टैटिक्स आप निकाल लेंगे तो इन्वेस्टर के पास जाइए जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, जिससे आप अपने बिजनेस को स्केल कर पाएंगे। शायद आप स्टार्टिंग में अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे, लेकिन जब आप बिजनेस को स्केल करेंगे ना तो लंबे समय नहीं जा पाएंगे। लेकिन वो लाइन याद रखना कि जल्दी पहुंचना है तो अकेले भागिए, लेकिन बहुत दूर तक जाना है तो सबके साथ चलना पड़ेगा। इसीलिए स्केल अप जब करेंगे बिजनेस तो शायद अच्छा मार्जिन स्टार्टिंग में ना मिले लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा मार्जिन मिलेगा, इसलिए वहां पे आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा, लोग बार बार कहते हैं टाइम मैनेजमेंट पे काम करो, टाइम मैनेजमेंट पे काम करो, लेकिन मैं बात करूंगा टाइम टू क्रिएट अ बिल्डिंग अ टीम, टीम बनाने पे काम करो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट से कुछ नहीं होगा, 24 घंटे ही मिलेंगे आपको चाहे जितना भी मैनेजमेंट कर लो, लेकिन अगर आपने टीम बिल्ड कर ली ना तो आपके पास टाइम मल्टीप्लिकेशन में बढ़ेगा। दो लोग मिले 48 घंटा, तीन लोग मिले प्लस करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए, कि टीम बिल्डअप होगी तो कितना ज्यादा बिजनेस स्केल होगा। टाइम मैनेजमेंट क्या छोड़िए, टाइम क्रिएशन पे काम करिए, इसलिए ज्यादा फोकस करिए मैनेजमेंट से ज्यादा क्रिएशन पे काम करिए। और जब ये सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाए तो लीगल प्रोसेस हमेशा बरकरार रखिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो भी आप बिजनेस करने जा रहे हैं उसके क्या आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कराया है, कहीं दूसरा कोई सुन के आपने बिजनेस को नहीं स्टार्ट कर दिया। जब हमने यूट्यूब मिलियनेयर कोर्स स्टार्ट किया अभी हम भी नए थे, कोई बताने वाला नहीं, लोगों ने सुना, अपने दोस्त यार ने सुना, खुद का जाके बिजनेस शुरू कर दिया, क्यों भाई हमारा भी चल जाएगा। लेकिन उसके लिए एक बिल्डिंग प्रोसेस होना चाहिए, क्या आपने उतनी सारी वीडियोस बनाई हैं, क्या आपके सारे फ्रेमवर्क्स क्लियर हैं, टाइप्स ऑफ यूट्यूब पे टाइप्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग क्या आपने वो बना रखी है, या सिर्फ ट्रैफिक के आधार पे आप हाव हाव कर रहे हैं। नहीं, हमेशा प्रोसेस जो मैंने इससे पहले के कंटेंट बताए वो सारे क्लियर होने चाहिए। उसके बाद लीगल फॉर्मेलिटीज कर लीजिए कि आप लीगल एक्शन ले पाए किसी पे, कोई अगर आपका कॉन्सेप्ट चोरी करता है तो। ये चीज अगर आपने प्रोसेस कर ली तो आपकी खुद की एक कंपनी बन जाएगी, एंड आई एम श्योर, क्योंकि वो कंपनी को कोई ब्रेक इवन पॉइंट नहीं, वहां पे डिमांड कर्व आपका सीधा ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि इकोनॉमिक्स में मैंने 12 साल बच्चों को पढ़ाया, जिंदगी मैंने पूरी कर्व पे ही खेली है। तो आपको मैं पूरा इस चैनल के थ्रू बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, बिजनेस करना बहुत आसान है लेकिन एक फर्स्ट स्टेप लेना बहुत मुश्किल है। हर बार हम 500 तरीके के आइडियाज सोचते हैं, लोग कहते हैं कि आइडियाज दे रहा हूं, वो आइडियाज को इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। अगर आपने वो चीज कर दी तो यू आर द बेस्ट, एक ही वर्ड में कहना चाहूंगा। एंड आई एम श्योर, कोई भी डाउट हो, कोई भी कंसल्टेंसी चाहते हो आप इस पे, तो दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी किस तरीके से मैं आपकी वीडियो मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग में हेल्प कर सकता हूं। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, किस टॉपिक पे आप लाइक वीडियो चाहते हैं, बिजनेस से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं वो भी कमेंट में लिखिए।
और कोई नया टॉपिक आप चाहते हैं वो भी लिखिए, और अगर ये वीडियो आपको लगता है किसी को हेल्पफुल दिला सकता है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, और अभी तक नए हैं तो यहाँ पे लाल कलर का जो बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब करिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है आपने तो नोटिफिकेशन ऑन करिए, क्योंकि मैं रेगुलर आपसे वीडियो मार्केटिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो यहाँ पे लाता रहता हूँ। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।